हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिब्रोगली वेव को, जिसको हम डिब्रॉय वेव भी प्रोनंशिएट करते हैं, और इसी को हम दूसरे नाम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि भाई लाइट के पास, दैट मीन्स रेडिएशन के पास, दो नेचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। ये वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और ये पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। होता यह है कि जब आपको वेव नेचर दिखाई देता है तब आपको पार्टिकल नेचर दिखाई नहीं देता, और जब पार्टिकल नेचर दिखाई देता है तो आपको वेव नेचर दिखाई नहीं देता। टाइम आगे बढ़ता चला गया, हमारी सोच भी आगे बढ़ी, और फिर हमने ये जाना जब हम पहुंचे 1924 पर, तब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लुई डिब्रोगली। डिब्रोगली कहें या डिब्रॉय कहें, डजंट मैटर, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। आप बोल दो भाई डिब्रॉय वेव, ठीक है, चलिए। तो आपने कहा भाई डिब्रॉय, तो एक साइंटिस्ट थे डिब्रॉय, जिनका ये मानना था कि भाई नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। और आप खुद भी सोचो कि नेचर सब कुछ कर सकती है लेकिन खुद के द्वारा बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ सकती। आप खुद एक एग्जांपल देके देख लो कि जिसमें नेचर ने अपना खुद का नियम तोड़ा हो वो कभी नहीं होता। नेचर को सिमेट्री पसंद है, यहाँ पे सिमेट्री से मतलब क्या है कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, इसका मतलब है कि नेचर को बार बार सब चीज़ों को जोड़ना जरूरी है। मतलब ये चाहती है कि भाई अगर ये ऐसा है ना तो फिर ये भी ऐसा हो जाए, है ना, समझ सकते हो बात को। तो नेचर हमेशा खुद के द्वारा बनाए हुए नियमों को फॉलो करती है। तो डिब्रोगली का कहना यह था कि भाई जिस तरह से रेडिएशन के दो नेचर हो सकते हैं, रेडिएशन के ड्यूअल नेचर हो सकते हैं, वेव और पार्टिकल, ठीक इसी तरह से किसी पार्टिकल के भी, यानी किसी मैटर के भी दो नेचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। बहुत ज़रूरी बात है, अब ये कन्फ्यूजिंग भी है। जैसे उनका कहना यह था कि जैसे मान लो ये चौक एक मैटर है, तो इस चौक के ये दो नेचर होंगे, एक वेव फॉर्म भी होगा और एक पार्टिकल फॉर्म भी होगा, समझ सकते हो। ये चौक दो तरह से बिहेव करेगी, वेव के फॉर्म में भी और पार्टिकल के फॉर्म में भी। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था मैं, लेकिन बस इतनी बात समझ में आ रही थी कि क्योंकि प्रकृति में, क्योंकि नेचर में जब रेडिएशन के दो फॉर्म हो सकते हैं तो फिर मैटर के भी दो फॉर्म जरूर होंगे। बस ऐसा हो रहा है कि अभी हमें इस मैटर का मैटर फॉर्म दिखाई दे रहा है और इस मैटर का रेडिएशन फॉर्म, या फिर ऐसा बोलें वेव फॉर्म, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या किया जाए, तो बस ध्यान दो, तो सारी बातों को सुनना। तो इस बात का कॉन्सेप्ट डिब्रोगली ने दिया। तो डिब्रोगली ने ये कहा कि भाई जब मैटर के पास वेव हो सकती है तो भाई उस डिब्रोगली, उसी वेव का हम नाम ने रख दिया डिब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव। अब इस मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर विश्वास करना ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर कहा गया कि भाई अच्छा, अगर मैटर वेव है तो इसके पास ये बताओ कि फिर जो है इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वेवलेंथ होती है इसकी, है ना, लेकिन उस वेवलेंथ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उस वेवलेंथ की कैलकुलेशन भी करेंगे। पहले आप ये मानो कि मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो हमने कहा कि भाई जैसे जैसे ये पार्टिकल इसके साथ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके साथ एक वेव भी जो है ना, इसके साथ एक कनेक्ट है, जिसको हमने कहा मैटर वेव। ध्यान से समझना बातों को। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन का क्या हुआ, इसकी कैलकुलेशन का ये हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि भाई एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, बोला E इज इक्वल टू एच न्यू, और आपकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने जाना E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब हमने इन दोनों को आमने सामने रखा, दैट मीन्स इक्वेट किया, तो E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम इस एच न्यू को, फ्रिक्वेंसी को, हम सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। लेमडा क्या हो जाएगी, इस मैटर वेव की वेवलेंथ हो जाएगी, और ये आपका एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो लेमडा निकल के आएगा वो होगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हमारा एक फार्मूला हो गया लेमडा का, और हमारा लेमडा को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई एच अपॉन एम वी, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पे लेमडा लिखें, ठीक है ना, ये लेमडा, ठीक है, ये लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एक ही बात है, ठीक है ना। और हम इसी को लिख सकते हैं कि भाई एच अपॉन एम वी, दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो गया आपका मोमेंटम। तो उन्होंने बताया कि भाई यदि कोई मैटर वेव है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी एच, दैट मीन्स प्लांक कॉन्स्टेंट अपॉन पी, दैट मीन्स मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम किसका, आप उस मास का, उस मैटर का मोमेंटम यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सोचना मुश्किल था ना कि भाई किसी मैटर के साथ, दैट मीन्स अगर ये चौक जा रही है तो इसके साथ, इस चौक के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है, और इस एसोसिएटेड वेव को हम मैटर वेव कहेंगे, तो ये सोचना बहुत मुश्किल था। तो इस फॉर्मूले से हमें इस मैटर वेव की वेवलेंथ मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम बात करें आपसे कि भाई हमारे सामने फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, तो हमने इतना किया, बोला लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, बोला किसका मोमेंटम। तो मान लो कि अगर हमारे पास एक मास है, एक बॉल है जिसका मास कितना है, बोला 150 ग्राम इसका मास है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बोला कि हमारे पास अगर एक बॉल है 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और उसका मास है 150 ग्राम, तो इसकी जो इसके साथ जो वेव जुड़ी होगी, जो वेव एसोसिएटेड होगी, उसका वेवलेंथ आप निकाल के देखो, आपको कुछ पता पड़ेगा इससे। तो हमने इसका वो निकाला भाई, वैल्यूज पुट की, प्लैंक कांस्टेंट दैट इज एच अपॉन एम वी, एम क्या है इसका मास 150 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, इनटू वेलोसिटी। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं लैम्डा, तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल के आती है वो है भाई, ये कैलकुलेट की हुई वैल्यू है 1.47 × 10⁻³⁴ मीटर। इतनी वैल्यू, दैट मीन्स आप इसको कैलकुलेट कर लें आराम से, तो लैम्डा की वैल्यू इतनी निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बॉल जिसका मास 150 ग्राम है 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। दैट मींस ये वेव कितनी छोटी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी होगी कि ये वेवलेंथ यदि लैम्डा है तो आप इतनी छोटी वेवलेंथ होगी, इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि ये जो है कैसी हो जाएगी, ये जो है वो आपको स्ट्रेट ही दिखाई देगी। क्या होगी स्ट्रेट, जब इतनी बड़ी बॉल की जब वेवलेंथ आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा छोटी वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ आपको दिखाई देगी नहीं, और जब वेवलेंथ आपको दिखाई नहीं देगी तो फिर उसका जो वेव नेचर है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। समझ पा रहे हो बात को। चलिए इसके बाद देखो, बोला ये तो चलो बॉल ठीक है बड़ी हो गई, अब अगर बॉल छोटी हो जाए तब क्या होगा, ठीक है ना। तो हमने बोला छोटी बॉल इसका मतलब क्या है, तो सबसे छोटी बॉल जिसको हम जानते हैं, दैट मीन सबसे छोटा पार्टिकल जिसके बारे में हम सभी इन्फॉर्मेशन पता है, तो हमने कहा भाई इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई वेव की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई उसकी वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो लेट्स से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का मास तो हम जानते हैं भी कितना होता है, इतना 9.1 × 10⁻³⁰ kg, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। इसके साथ साथ जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को दी गई वो कितनी हो गई, 5.4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी का एक दिया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आराम से देखें, ठीक है ना। तो एच इज इक्वल टू, हम जानना चाहते हैं भाई इसकी जो है ना इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई सिंपल आप वैल्यूज को पुट करें, 9.1, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब प्लैंक कांस्टेंट दैट मीन 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, और उसके बाद कितना हो जाएगा मास, कितना है 9.1 × 10⁻³ ठीक है केजी इंटू 5.4 × 10⁻+6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आप इसका आंसर चेक कर लें आराम से, कितना हो जाएगा 0.137 नैनोमीटर, दैट मीन्स × 10⁻⁹ मीटर। अगर हम नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.137 नैनोमीटर। अब आप खुद सोचो कि यदि एक इलेक्ट्रॉन भी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से जब दौड़ेगा, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से जब भागेगा, तब उसके साथ जुड़ने वाली जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि फिर से वही बात कि हमें दिखाई नहीं देगी, इतनी छोटी होगी कि इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने वाली वेवलेंथ भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो फिर हम इस बात का विश्वास क्यों माने कि मैटर के पास भी वेव होती है जब हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इस बात का विश्वास मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न हमने डिफ्रैक्शन में देखा ना, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, वैसा ही पैटर्न हमने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, ठीक है ना। तो वहां से ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई, है ना। तो अगर हम ऐसा बोलें कि डेली लाइफ में हम इस वेव को देख सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे कि नहीं देख सकते, लेकिन इस किसी मैटर के साथ ये वेव जुड़ी हुई होती है। विश्वास कैसे करें, तो विश्वास करेंगे डेविशन के डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, समझ रहे हो, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम विश्वास करेंगे इस बात का। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ बातें जो इसके बारे में होनी चाहिए वो ये हैं कि भाई यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हम ऐसा बोलें कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी जो ऐसे बोलेंगे कि भाई जो वेवलेंथ है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऐसा बोलें कि मास बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी बड़ी बॉडी हो जाएगी, मान लो एक ट्रक है और एक छोटी सी साइकिल है, तो अगर दोनों की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो कहा जाएगा भाई ये बताओ कि किसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, तो जिसका मास छोटा है उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। अच्छा, तो भाई ये बताओ कि अगर हमने जो है ना, ये बताओ कि हमेशा वेव जुड़ी रहती है किसके साथ,
देन हमारा आंसर है किसी पार्टिकल के साथ, किसी मैटर के साथ हमेशा वेव नहीं जुड़ी होती, ये वेव केवल जब जुड़ती है जब वो पार्टिकल मोशन में होता है, है ना। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि वेवलेंथ अगर हम निकालना चाहेंगे, बोला एच अपॉन मास कुछ होगा इंटू वेलोसिटी यदि जीरो है, तो फिर वेवलेंथ कितनी निकल के आएगी, तो वेवलेंथ आएगी उसकी इन्फिनिटी, है ना। और जब इन्फिनिटी वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है, वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई, अब ये जो उसका दूसरा क्रेस्ट है वो ना जाने इन्फिनिटी पे आएगा, बहुत दूर आएगा, तो फिर हमें वेव फिर से कैसी दिखेगी, बोले स्ट्रेट दिखेगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि वेव की कोई भी, दैट मीन्स किसी उस वेव के पास वेवलेंथ नहीं होगी, या फिर बोले इन्फिनाइट वेवलेंथ होगी जिसकी वेलोसिटी जीरो है, समझ रहे हो। तो ये सारी बातें ऐसी थी कि इंसान के लिए जो है विश्वास करना मुश्किल थी, इसको हमने क्या बोला, वही मैटर वेव बोला, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई। अच्छा, इस मैटर वेव के बारे में कुछ दो चार लाइनें, कुछ दो चार बातें हम और लिख देते हैं, ठीक है ना। या फिर बता दें आपको कि जैसे मान लो वेवलेंथ हमने निकाली, भाई वेवलेंथ कैसे निकाल दी, तो वेवलेंथ हमने निकाली आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी निकाल दी हमने, ठीक है ना। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, पी मतलब क्या, मोमेंटम। अच्छा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स पी को हम और जानते हैं, रिलेशन हमने पढ़ा था पी टू एम के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो हमने बोल दिया भाई एनर्जी, ठीक है। तो हम इस पी दैट मीन मोमेंटम को, क्योंकि आपने 11th क्लास में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा होगा, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू एम के, दैट मीन रूट टू एम ई, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम इस वेवलेंथ को जो है रिप्रेजेंट करने का, अगर आपसे कहा जाए भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताओ, तो क्या बोलेंगे, भाई डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड है, तो उसका फॉर्मूला हम और किस तरह से बना सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी दी हमने उस पर कुछ वर्क करने से उस इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेंगे कैसे, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो चार्ज कितना बोला E एक इलेक्ट्रॉन पे, और पोटेंशियल कितना होगा E इंटू वी, ये भी है पोटेंशियल, ये भी है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर देखो हम इसको ऐसे बोलें कि एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो है आप एक काम करें, बोला m का इंटू दोनों साइड कर दें, तो अगर हम इसमें m का इंटू दोनों साइड कर दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एम ई वी हो जाएगा ये। अच्छा, और यहाँ पे जो है ना 2 है, तो इस 2 को बोला इस साइड भेज दो, तो 2 एम ई वी, ठीक है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दें, तो स्क्वायर रूट लगने से ये कितना हो जाएगा, बोला एम वी, और ये कितना हो जाएगा रूट टू, रूट टू एम ई वी, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाने से, ठीक है। अगर ये इतना होगा, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, दैट मीन्स मोमेंटम, और एम वी की वैल्यू कितनी है रूट टू एम ई वी, तो हम, और ये वी क्या है पोटेंशियल वोल्टेज, तो हम इस इन फॉर्मूले को लैम्डा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई मैटर वेव, और मैटर वेव के बारे में काफ़ी सारी बातें जिसको हम डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।